नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान आने की संभावना को लेकर भारतीय मौसम विभाग के डीजी ने नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके 9 मई के आसपास पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग के डीजी ने बताया कि इसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर से करीब मध्य भाग की ओर चक्रवाती तूफान के बढ़ने की प्रबल संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद तूफान के मार्ग और इसकी तीव्रता का ब्यौरा दिया जाएगा। सिस्टम लगातार निगरानी में है, स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मौसम के इस सिस्टम के कारण 8 से 12 मई के बीच अधिकांश स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 8 से 11 मई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 10 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समीप पर छिटपुट बारिश से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में 7 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। साथ ही दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और मध्य खाड़ी के समुद्री क्षेत्रों में 8 से 12 मई के दौरान एवं 8 से 10 मई के दौरान अंडमान सागर में शिपिंग गतिविधियों पर बंदिश लगाई गई है। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।